स्वागत है फ्रेंड्स बिहार बोर्ड का नंबर वन चैनल। जैसे कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियली मॉडल पेपर सभी विषय का यानी कि रिलीज कर दिया गया है। तो आपने आपका जो विषय है सभी विषय का एक बार इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा और आपको सभी विषय का यानी कि आंसर की विद सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने हिंदी का विषय लिया हूँ, ठीक है, जो कि आपको पता है 3 घंटा 15 मिनट का होता है, फुल मार्क्स 100 का होता है। उनमें से मैंने 100 ऑब्जेक्टिव होता है, 100 में आपको 85 बनाना होता है। तो ये जो आपका ऑफिशियली मॉडल पेपर है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका बोर्ड एग्जाम एनुअल में रहेगा इनमें से 60 से 80% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो चैनल में फर्स्ट पार्ट भी जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नाड़ी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पात की उक्ति है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, नाड़ी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा अर्थ नाड़ी सुअर। ऐसा है कि राइट आंसर आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा, ताकि आप भी अगर जानते हैं तो आपका एग्जाम तक याद रहेगा। और कन्फर्म कीजिए जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा कि इसमें से कितना सही मार रहे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है। ठीक है, जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 की राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र हो जाएगा। ठीक है, 2 का जो है सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जूठन क्या है। ठीक है, आत्मकथा है, आलोचना है, एकांकी है या कहानी है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। जूठन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइनली इसकी राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा है। जूठन क्या है, एक आत्मकथा है। ठीक है, 3 का जो है ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, यानी ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा बहुत दिनों पर दिखना। ठीक है, यानी ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त में शेयर किया ताकि अपना दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, यानी अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या क्या होता है, एकमात्र सहारा कमज़ोर होना, असहाय होना या लकड़ी के सहारे चलना। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा एकमात्र सहारा। ठीक है, यानी ए नंबर आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो भी आपका विषय है एक बार मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको और सब विषय जो आपका है उनका भी आंसर की का वीडियो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, आपको मिल जाएगा। अधजल गगड़ी छलकत जाए लोकति यानी अर्थ का क्या होगा, ये लोकगीत अर्थ का क्या होगा। ठीक है, अधजल गगड़ी छलकत जाए, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, गगड़ी भरी होना, प्रदर्शन ना करना या गगड़ी खाली होना। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। 6 का जो है ए नंबर आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में क्या करा, एक बार ध्यान से हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकती का इसका अर्थ क्या है। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो फाइनली इसके राइट आंसर हो जाएगा बहाना करना। 7 का जो है बिल्कुल, जो साथी ये बता रहे हैं ना, बिल्कुल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तितर बितर होना, संकट आ जाना, परेशान होना या 10-3-13। तो 3-13 होना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, तितर बितर होना। ठीक है, 8 का जो साथी ए बता रहे हैं ना, बिल्कुल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हीरा शब्द कौन संज्ञा है, द्रव संज्ञा सॉरी द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक। ठीक है, हीरा शब्द कौन संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। सो 9 का जो है ए नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है। ठीक है, आपको बताना है बुढ़ापा शब्द जो है वो कौन संज्ञा है। तो इसके राइट आंसर आप लोग कमेंट बताइएगा। तो फाइनली इसके राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक। 10 का जो है ए नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग राइट आंसर बताइए, काशी शब्द कौन संज्ञा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काशी शब्द जो है कौन संज्ञा। तो 11 के राइट आंसर की मैं बात करूँ तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। 11 का जो साथी डी बता रहे हैं ना, बिल्कुल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त में शेयर की ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। सभा शब्द कौन संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। ठीक है,
जो सभा शब्द है वो कौन संज्ञा, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक। 12 का सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि जो सभा होता है ना तो कई लोगों के समूह होता है, सो इसका राइट आंसर समूहवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है, काफ़ी मॉडर्न क्वेश्चन है, मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक, क्योंकि मनुष्य एक प्रकार का जाति है, ठीक है। सो आपका 13 का जो है सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा। सजावट शब्द कौन संज्ञा है, काफ़ी मॉडर्न क्वेश्चन है, सजावट शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है। 14 का जो है डी नंबर आपका बिल्कुल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है, शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होगा, निनाद नाद ध्वनि इनमें से सभी, तो शब्द का पर्यायवाची होता है नाद होता है, ठीक है। 15 का बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, मंदाकिनी महाकाय अनंत या सागर, तो गंगा शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मंदाकिनी हो जाएगा। 16 का ए नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। इस क्वेश्चन में कराएगा सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है, काफ़ी मॉडर्न क्वेश्चन है, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा, तो 17 का राइट आंसर की मैं बात करूँ तो सुंदर का पर्यायवाची होता है ललित होता है, ठीक है। तो 17 का ना ए नंबर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, काफ़ी मॉडर्न क्वेश्चन है, तो राजा शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो क्या हो जाएगा, इनमें से तीन ऑप्शन चार ऑप्शन दिया हुआ है, निरीप भूप निरुक्ति और फिर सभी, तो राजा शब्द का पर्यायवाची उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि 18 का जो है डी नंबर आपका बिल्कुल यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में कह रहा है पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है, तो पय शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है दूध होता है, 19 का जो है बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो सूर्य शब्द का पर्यायवाची होता है भास्कर होता है, 20 का जो है सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, संवत शब्द का संजीव विच्छेद क्या होगा, काफ़ी मॉडर्न क्वेश्चन है, तो 21 की राइट आंसर हो जाएगा समजोरवत हो जाएगा, 21 का जो साथी भी बता रहे हैं ना बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सदाचार शब्द का संजीव विच्छेद क्या होगा, तो सदाचार का शब्द का जो संजीव विच्छेद होता है सत्य जोर आचार होता है, 22 का जो साथी सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, तो नायक शब्द का जो संजीव विच्छेद होगा वो हो जाएगा नेजोर अक हो जाएगा, 23 का जो है ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 23 नंबर कर रहे थे हम लोग, 23 का राइट आंसर जो साथी ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपके लिए फ्रेंड इतना मेहनत करता हूँ, आपका ही फर्ज बनता है वीडियो के ऊपर लाइक अपने दोस्त में शेयर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान देना, आपको खुद आंसर बताना है, तो उद्गम शब्द का संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत जोर गम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे तरह से देख लीजिएगा, मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना और जितना भी आंसर बता रहा हूँ एक बार बाद में इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम के जो आपका पूछेगा वही सब क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी 25 नंबर में कह रहा है परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 25 की राइट आंसर हो जाएगा पड़ी जोर इच्छा हो जाएगा, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं, तो 25 का ना बिल्कुल याद रख लीजिएगा, इसी प्रकार से होगा डी नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल में फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिएगा। हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है, तो हताहत शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा हत जोर आहत हो जाएगा, ठीक है, जैसे कहीं आहत होता है ना, तो हत जोर आहत। सो आपका 26 का जो है बी नंबर बिल्कुल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सभा शब्द क्या है, ठीक है, सभा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, तो सभा शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। 27 का जो है बी नंबर आपका यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा शब्द क्या है, जी हाँ फ्रेंड्स, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए जिस 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 शब्द के लास्ट में आकार होता है वो अक्सर क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शन में है, सो आपको याद रख लेना आत्मा शब्द ना स्त्रीलिंग है, ठीक है। 28 का ना ए नंबर जो है ना बिल्कुल आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी शब्द क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं,
तो जी शब्द जो है ना वो आपको राइट आंसर कमेंट में बताना है। तो 29 के राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा, 29 का जो साथी ए बता रहे हैं बिल्कुल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका एग्जाम की तैयारी का लेवल अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आयु शब्द क्या है, ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयु शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। जी फ्रेंड्स, तो आयु शब्द जो है ना वो हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, तुम्हारी आयु कितनी है, जैसे बोलते हैं ना 130 का जो बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपका ही फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। परीक्षा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा शब्द जो है वो भी हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, 31 का बी नंबर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, महिमा शब्द क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो महिमा शब्द क्या आपको बताना है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, 32 का जो है बी बता रहे हैं ना बिल्कुल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है, ठीक है तो उपवन शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है, ठीक है तो उपवन शब्द में पहले क्या लगा है, उप लगा है, सो उपवन शब्द में उपसर्ग उप हो जाएगा बिल्कुल 33 का ए नंबर करेक्ट। इसी तरह ध्यान लेना है, उपसर्ग उसे कहते हैं जिस शब्द का जो पहला वाला जो उच्चारण होता है वो उपसर्ग में आता है। 34 नंबर कह रहा है कि प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है, ठीक है ना प्रतिनिधि शब्द में आपको ध्यान देना है इसमें उपसर्ग क्या है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा प्रति हो जाएगा, बिल्कुल 34 में ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सुकर्म शब्द में उस उपसर्ग क्या है, ठीक है तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुकर्म शब्द में उस पर क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा, सो आपका यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपना एग्ज़ाम की तैयारी का लेवल भरवाइए और आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, सो आप लोग वीडियो को एक बार बाद में भी रिपीटिंग करके देख लीजिएगा ताकि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है, जी हाँ फ्रेंड्स आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 36 का सी की राइट आंसर की मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा प्रत्यय जो बाद में लगता है, तो आनंदित में जो बाद में क्या है दित है, तो दित किस तरह का हो जाएगा, सी लगेगा आपका। 36 का जो है बिल्कुल सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रत्यय जो लास्ट में लगता है, ठीक है तो 37 की राइट आंसर हो जाएगा टिकाऊ शब्द में काऊ, तो क्या हो जाएगा आऊ हो जाएगा आकार ऊ, ठीक है ना इस तरह ध्यान देना है। तो 37 का जो है बी नंबर आपका बिल्कुल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है जो बाद में लगा आई, ठीक है आई पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है सो 38 का ए नंबर आपका जो है बिल्कुल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है आपने इस चैनल में फर्स्ट पार्ट विजिट किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बाकी जो दूसरा और सब्जेक्ट का देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, बाकी सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा। आकाश शब्द का विलोम क्या होता है, गगन, नक्षत्र, अंबर या पाताल, आपको पता होना चाहिए आकाश शब्द का जो उल्टा होता है वो पाताल होता है, ठीक है 39 का जो है डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होता है, जैसे किसी को पुरस्कार मिलता है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, दंड, सम्मान, पारिश्रमिक या अपमान, तो पुरस्कार शब्द का बिल्कुल दंड हो जाएगा। 40 का जो है ए नंबर जो बता रहे हैं ना बिल्कुल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कृपा शब्द का विलोम क्या होगा, ठीक है तो कृपा शब्द का विलोम होगा करुणा, दया, आशीर्वाद या कोप, तो जी हाँ फ्रेंड्स कृपा शब्द का जो विलोम होता है वो कॉप होता है। 41 का डी नंबर आपका बिल्कुल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, प्राचीन, आधुनिक, नवीन या अधुनातन, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, तो 42 की राइट आंसर हो जाएगा अर्वाचीन शब्द का विलोम प्राचीन हो जाएगा। 42 का जो साथी ए बता रहे हैं ना बिल्कुल यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कृतज्ञ शब्द का उल्टा क्या होगा यानी विलोम, तो कृतार्थ, निंदक, कृतज्ञ या प्रत्यय पुकार, ठीक है तो कृतज्ञ शब्द का जो उल्टा होगा ना वो क्या हो जाएगा, आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा राइट आंसर। तो 43 की राइट आंसर हो जाएगा कृतज्ञ हो जाएगा, 43 जो साथी सी बता रहे हैं ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा, देर तक, जंगम, जंगम, अस्थाई या टिकाऊ, तो अस्थावर शब्द का जो है विलोम क्या होगा, ठीक है तो 44 की राइट आंसर हो जाएगा जंगम हो जाएगा। 44 का जो है बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, धनहीन शब्द कौन सा मास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद या बहुव्रीहि, ठीक है आपको बताना है तो धनहीन शब्द कौन सा मास है, तो 45 की राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। 45 जो साथी बी बता रहे हैं ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिदेव समास शब्द कौन सा मास है, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद, त्रिदेव जो है शब्द जो कौन सा समास है, तो 46 का राइट आंसर द्विगु हो जाएगा। 46 का बी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भाई बहन शब्द जो है कौन सा समास है, कर्मधारय द्वंद्व बहुव्रीहि या तत्पुरुष। भाई बहन शब्द कौन सा समास है, तो 47 के राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व हो जाएगा, 47 का बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन समास है, यानी स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन समास है, आप लोग फटाफट बताइए, तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु या अव्यय अव्ययवी भाव। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा, 48 जो साथी ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पीताम्बर शब्द कौन समास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पीताम्बर शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बहुव्रीहि हो जाएगा, 49 नंबर का जो है बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, आजीवन शब्द कौन समास है। ठीक है, तो आजीवन शब्द जो है आपको पता होगा अविभाव समास है। ठीक है, अविभाव समास, तो 50 का सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, वीडियो को यही एंड करेंगे, और मैंने ये पार्ट वन आप देख लिए हैं, तो पार्ट टू जाके इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ पे आपको पार्ट टू मिलेगा, जिसमें से मैंने 51 से ठीक है 100 तक का हल किया हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही थी, सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। तो बाकी और चैप्टर का वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो की आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने इस चैनल में फर्स्ट बार विजिट किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद जय भारत।